हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकल डोज ऑफ़ नॉलेज होप यू ऑल आर डूइंग गुड उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल तो आज से मेरे चैनल पर एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है मेट्रे अमेरिका की जिसमें कि हम एस के दुबे को कवर करने वाले हैं उसके ड्रग्स को कवर करेंगे तो पहले हम सेकेंड ईयर के सारे ड्रग्स को कवर करेंगे डे बाई डे एंड देन विल मूव ऑन टू थर्ड ईयर एंड सो ऑन तो आज का जो ड्रग है हमारा पहला वो है एक्ोनाइट सो so और अगर आपका भी कोई फेवरेट टॉपिक है या आप जिस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट मी टू मेक वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम एकोनेटम नेपेलिस कॉमन नेम है मॉन्स हुड या बेन या कॉमनली हम इसको एकोनाइट भी बोलते हैं इसकी प्रूविंग डॉक्टर हैनीमेन ने की है और ये रैनन कुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है इंट्रोडक्शन पे अगर हम आए तो इट इज द डेडलीस्ट एंड मोस्ट रैपिडली एक्टिंग पॉइजन डेडलीस्ट का मतलब होता है घातक ठीक है और रैपिडली एक्टिंग मतलब बहुत तेजी से ये काम करता है एकोनाइट जो होता है इट इज़ वन ऑफ क्लार्कस ए बी सी नर्सरीज क्लार्क जो हैं डॉक्टर क्लार्क उनकी ए बी सी नर्सरीज़ में ये आता है ए इज़ फॉर एकोनाइट बी इज़ फॉर बेलेडोना एंड सी इज़ फॉर कैमोमिला एकोनाइट जो है दैट कॉजेज टर्मोइल इन सर्कुलेशन बेलेडोना टर्मोइल इन ब्रेन एंड कैमोमिला टर्मोइल इन टेम्प्रामेंट सबसे पहले तो टर्मोइल का मतलब क्या होता है टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल ठीक है हिंदी मीनिंग है इसकी उथल पुथल मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करना तो एकोनाइट का जो है वो हमारे सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस करता है बेलेडोना ब्रेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और कैमोमिला टेम्प्रामेंट में ठीक है हमारा जो नेचर होता है स्वभाव होता है उसमें देन इट इज़ शॉर्ट एंड क्विक एक्टिंग फॉर एक्यूट कंडीशंस जो भी एक्यूट डिजीज होती है एक्यूट कंडीशंस होती है उसके लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी रेमेडी है बहुत फटाक से ये एक्ट करती है देन स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ पर एक्ट करता है एकोनाइट अटैक्शन सिर्ब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम ब्रेन ब्लड एंड कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पैथोजेनिस कॉज टर्मोइल इन सर्कुलेशन ये हमारे सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पर्सन का फॉर एक्नाइट पेशेंट प्लेथॉरिक सैगुइन पर्सनस प्लेथॉरिक वो पर्सनस होते हैं हु आर फुल ऑफ बॉडी फ्लूड मतलब बेसिकली ब्लड से बहुत ज़्यादा भरे होते हैं इनमें खून बहुत ज़्यादा होता है फेस और बॉडी इनकी बहुत रेड रेड सी होती है सेंग्वीन पर्सनज ठीक है सेंग्वीन पर्सनज अब क्या होते हैं बहुत uh, खुश मिजाज के होते हैं दे आर वेरी हैप्पी टाइप ऑफ पर्सनज डार्क हेयर एंड आईज स्ट्रोंग एंड रॉबर्स पीपल रॉबर्स मतलब बहुत ही मज़बूत पर्सनज होते हैं एंड सेंगुइन टेम्परामेंट वही कुछ में जो आज लोग होते हैं सैंगुइन टेम्परामेंट होता है इनका नाउ कमिंग आउट टू द गाइडिंग सिम्टम्स टेंशन इज द कीनोट इसका जो कीनोट सिम्टम है एकोनाइट का वो है टेंशन एकोनाइट के पेशेंट को टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है चिंता में रहते हैं हमेशा इट इज़ इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केस विच स्टार्ट सडनली एंड वॉयेंटली कि कोई भी एक्यूट कंडीशन है उसकी फर्स्ट स्टेज में हम ये ड्रग दे सकते हैं पेशेंट्स को जो अचानक से स्टार्ट होता है सडनली और वॉलेंटली मतलब बहुत ही आ, सीवियर तरीके से बहुत ही यू नो वॉलेंट मतलब होता है बेसिकली कि बहुत आ, इसका सीवियर इम्पैक्ट होता है बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ आता है देन ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में भी आता है एकोनाइट थ्री ट्रायोज़ हैं जिसमें कि ट्रायो uh, uh, में हमारे तीन ड्रग्स आते हैं एकोनाइट आरसेनिक और रस्टॉक्स ये तीनों रेस्टलेसनेस के लिए बहुत ही अच्छे ड्रग्स हैं अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एकोनाइट जो है उसमें मेंटल और फिजिकल रेस्टलेसनेस दोनों होता है ठीक है मेंटली भी बेचैन होते हैं और फिजिकली भी बेचैन होते हैं और फिजिकली ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये एक जगह पे रह नहीं पाते इधर उधर करते रहते हैं दे के नॉट रिमेन इन वन प्लेस ठीक है इनको इधर उधर बस चलने का मन करता है और मेंटली भी बहुत ज़्यादा ये बेचैन होते हैं देन अगर हम आर्सेनिक पेशेंट की बात करें तो दे आर ऑल्सो रेस्टलेस बट इनमें मेंटल रेस्टलेसनेस होती है फिजिकली ये वीक होते हैं तो ये चल नहीं पाते इधर उधर मूव नहीं कर पाते ऑल दो दे वॉन्ट वो चाहते हैं इधर उधर करना पर कर नहीं पाते क्योंकि फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते जितना एक्नाइट होता है देन कमिंग ऑन टू टॉक्स टॉक्स में सिर्फ फिजिकल रेस्टलेसनेस होती है दे वॉन्ट टू चेंज देयर पोजिशन अपनी पोजिशन को ये बदलना चाहते हैं देन ग्रेट फ्यर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड बहुत ही ज़्यादा डर होता है एक्नाइट के पेशेंट्स को और बहुत चिंता लगी रहती है ठीक है उनके चेहरे पे ही हमें डर दिख जाएगा ठीक है देन फ्योर एंड फ्राइट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्नाइट फ्योर और फ्राइट जो होता है भय जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्नाइट की फ्यर तो होता है कि हाँ पर्टिकुलर चीज है उससे डर लग रहा है उससे डर लगता है वो होता है डर फ्राइट क्या होता है फ्राइट होता है अचानक से उस डर का आभास होना वो होता है फ्राइट सो दीज आर दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्नाइट देन ड्राई एंड हॉट स्किन विथ रेयर स्वेट इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है सूखी होती है और गर्म होती है और इनको स्वेटिंग नहीं होती है द नैश ट्रायोज ऑफ पेन में आता है एकोनाइट एक्नाइट है इसमें कैमोमिला है और कॉफिया है डॉक्टर नैश ने ट्रायो दिया था पेन का जिसमें कि तीन रेमिडीज है एकोनाइट कैमोमिला एंड कॉफिया इतना ज़्यादा पेन होता है कि एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल चीखते हैं पेन से दिस क्रीम ठीक है चिल्लाने लगते हैं उनको इतना दर्द होता है और रात में बहुत ही ज़्यादा वो बेचैन हो जाते हैं दर्द की वजह से देन थर्स्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कोल्ड वाटर इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ठंडे पानी की एकोनाइट पेशेंट्स फेस इज रेड और रेड एंड पेल ऑल्टरनेटली एकोनाइट का जो पेशेंट का फेस होता है या तो लाल होता है या कभी लाल होता है कभी फीका पड़ जाता है ऐसे उनका फेस होता है पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड सूखी ठंडी हवा की वजह से अगर वो एक्सपोजर में आते हैं तो उसकी वजह से उनको पैरलिस होने का डर होता है पैरलिस हो सकता है एलिमेंट्स इनकी जो भी प्रॉब्लम होती है एक्ोनाइट की एलिमेंट का मतलब होता है ना कहीं भी एलिमेंट आएगा भी आगे हर रेमेडी में आने वाला है एलिमेंट तो एलिमेंट का मतलब होता है बेसिकली कॉज कि उसकी प्रॉब्लम्स का उसकी डिजीज का जो भी उसको दिक्कत हो रही है उसका कारण क्या है तो एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर फ्राइट डर शॉक हीट ऑफ सन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या इंजरी इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम होती है एग्रवेशन और एमेशन दीज आर द मोडालिटीज़ मोडालिटीज़ मतलब होता है कि डिजीज़ के मॉडिफायर्स जो होते हैं जो हमारी पर्टिकुलर डिज़ीज़ को मॉडिफाई करते हैं मतलब एग्रवेशन का मतलब होता है कि डिजीज़ कंडीशन किस पर्टिकुलर चीज़ से बढ़ रही है और एमेशन का मतलब होता है कि उसको किस चीज़ से आराम मिल रहा है तो जो एक्ोनाइट के पेशेंट होते हैं उनको एग्रवेशन होता है शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे एंड एमलरेशन होता है उनको अनकवरिंग से मतलब कवर्ड रहना पसंद नहीं है उनको और खुली हवा में जाके उनको आराम मिलता है नाउ कमिंग ऑन टू माइंड इसके मेंटल सिम्टम्स जो एकोनाइट पेशेंट के वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके मेंटल सिम्टम्स जब भी हम एकोनाइट डॉक्टर हनीम भी बोलते हैं कि जब हम एकोनाइट को अगर चूज करते हैं तो सबसे पहले तो इसके मेंटल सिम्टम्स पे हमको ध्यान देना है ठीक है अगर पेशेंट में सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं लेकिन अगर मेंटल ही नहीं मिल रहा है कोनाइट में जैसे है तो फिर हम ये रेमेडी नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते सो so, इसके मेंटल्स क्या हैं फ़ियर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड जो पेशेंट होता है उनमें बहुत ही ज़्यादा डर होता है और बहुत चिंता होती है ठीक है उनके चेहरे पे ही आपको डर दिख जाएगा हर चीज़ का उनको डर होता है ठीक है फियर ऑफ डेथ होता है अगर उनको कोई भी छोटी सी बीमारी है तो उनको ऐसे लगता है कि वो मरने वाले हैं देन देर इज फियर ऑफ़ डार्कनेस अंधेरे से डर लगता है फियर ऑफ बेड अपने बिस्तर से डर लगता है फियर ऑफ घोस्ट भूत से डर लगता है फियर ऑफ़ गोइंग आउट बाहर जाने से डर लगता है फीयर टू गो इन टू अ क्राउड भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से इनको डर लगता है ठीक है देन देर इज फ्योर टू क्रॉस अ ब्रिज ठीक है अगर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो उस पर भी उनको डर लगता है एंड जो वुमेन्स होती हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी में डेथ का डर होता है ठीक है कहीं उनकी डेथ ना हो जाए अब इन इसके जो फियर होता है एक्नाइट पेशेंट का डेथ का वो ऐसा होता है कि अपना टाइम और डेट बता देते हैं कि ये कब मरने वाले हैं एक्ोनाइट का पेशेंट ऐसा होगा कि वो बता देगा कि हाँ मैं इस दिन और इतने बजे मरूंगा ठीक है Uh, अगर सपोज़ पेशेंट है उसके रूम में घड़ी लटकी हुई है तो वो बता देगा कि जब सुई सपोज अभी चार बज रहा है तो वो बोलेगा कि जब uh, साढ़े चार बजेगा इस घड़ी पे तो मैं इतने बजे मरने वाला हूँ ठीक है तो वो पेशेंट जो है वो सारे अपने दोस्तों को अपने uh, रिश्तेदारों को बुला लेगा कि मुझसे आके मिल लो बस मैं जाने वालों मेरा टाइम आ गया है ऐसे पेशेंट होते हैं को के ठीक है एंड इसको अपनी पता होता है कि इनकी जो डिजीज़ होती है वो फैटल है मतलब घातक है इनके लिए वो मर जाएंगे बट स्टिल वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं कि चलो मैं मरने तो वाला ही हूँ पर एक बार चले जाते हैं डॉक्टर के पास देख आते हैं कि वो क्या बोलता है क्या दवाई उनको तुरंत लेनी होती है ठीक है दे वॉन्ट टू गो टू डॉक्टर बट वही जो आर्सेनिक के पेशेंट होते हैं उनमें भी फियर ऑफ डेथ होता है उनको भी पता है कि वो मरने वाले हैं बट आर्सेनिक के पेशेंट का जो डर होता है वो ऐसा होता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते बिकॉज उनको पता होता है कि वो मरने वाले होते हैं तो आर्सेनिक का पेशेंट सोचता है कि यार मैं मरने वाला हूँ तो कोई फायदा नहीं है डॉक्टर के पास जाके ठीक है तो जब मरना ही है तो क्या फ़ायदा है डॉक्टर के पास जाके ठीक तो ये कंपैरिजन हो गया दोनों के बीच में डर तो दोनों को है बट अलग अलग है एकोनाइट वाला पेशेंट जाना चाहता है बट आर्सेनिक नहीं जाना चाहता है ठीक है प्रिडिक्स द डेट एंड इवन द आर ऑफ़ डेथ टॉसिस अबाउट ए नेगनी टॉसिस अबाउट एन नेगोनी का मतलब होता है कि ये इतने ज़्यादा uh, दर्द में होते हैं uh, इतना तड़पते हैं ये दर्द में बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल यू नो टॉसिस अबाउट मतलब बिल्कुल तड़पना बुरी तरीके से दर्द में म्यूजिक इज़ अनबियरेबल फॉर एक्नाइट पेशेंट्स जो एक्नाइट पेशेंट होते हैं म्यूजिक वो बर्दाश्त नहीं कर पाते ठीक है उससे उदास हो जाते हैं और ज्यादा नॉर्मली आ, लोगों को अच्छा लगता है म्यूज़िक सुन के हम रिफ्रेश होते हैं ठीक है बट एकोनाइट के पेशेंट्स को म्यूज़िक नहीं बर्दाश्त होता है और भी रेमेडीज़ हैं लाइक थूजा है ठीक है वो रोने लगता है अगर म्यूज़िक सुनता है तो क्या होता है कि उसको रोना आ जाता है वही नेट्रम कार्ब का पेशेंट है तो नेट्रम कार्ब जो होते हैं उनमें भी Uh, रोने की टेंडेंसी होती है और सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है ठीक है तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिन म्यूजिक जिनको नहीं पसंद है देन मेंटल कामनेस इंडिकेट्स एकोनाइट मेंटल कामनेस जो होती है वो एकोनाइट के पेशेंट में एकदम नहीं होती है और वही पल्सटेला जो होते हैं दे आर वेरी मेंटली काम ठीक है calm, लेकिन अगर एक्नाइट का पेशेंट है तो वो मेंटली बिल्कुल भी काम नहीं होगा ठीक है बहुत ही रेस्टलेस होगा उसको बहुत चिंता होगी छोटी छोटी चीज़ों से उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी डर लगने लगेगा ठीक है और बहुत ज़्यादा उसको मेंटल पेन होता है इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल एंग्विश एंग्विश का मतलब वही होता है पीड़ा दर्द ठीक है इंटेंस होती है बहुत सीवियर और अनकंट्रोलेबल कंट्रोल नहीं कर पाता अपने दर्द को और वो चीखते हैं फिर दर्द से नाओ कमिंग ऑन टू समुलर्स अगर हम हैड एक की बात करें तो इसका कॉज है वही ड्राई कोल्ड एयर शॉक इन फ्राइट इसकी वजह से एकोनाइ के पेशेंट में हेड एक होता है लोकेशन होती है फ्रांटल रीजन हमारा जो फ्रंटल रीजन होता है वहाँ पर क्या होता है कि सिर दर्द होता है एकोनाइट के पेशेंट को और सेंसेशन मतलब कि उसको कैसी फीलिंग होती है एज ए नेल्ड अप मतलब उसमें कोई कील गड़ा रहा है उनके सिर में फुलनेस एंड हैवीनेस इन फॉरड फॉरेड में माथे पे कैसे भारी भारी फीलिंग होती है जैसे एकदम बोझ पड़ा हुआ है वहाँ पे और बर्निंग हेड होता है ठीक है जैसे कि जैसे गर्म पानी होता है एकदम ना वैसे जैसे लगता है कि ब्रेन में कोई मतलब हमारे सिर में कोई ऐसे चला रहा है एकदम उबलता हुआ पानी ऐसे उसको फीलिंग आती है मोडालिटीज़ मतलब इसका एग्रवेशन एमलरेशन तो एग्रवेशन है इवनिंग नाइट एंड गोइंग टू बेड शाम के टाइम पे रात के टाइम पे और जब ये सोने जाते हैं बिस्तर पे तो इनका हेडेक बढ़ जाता है और खुली हवा में जाने से इनके हेडेक में आराम मिलता है कॉन्कॉम्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसरी सिम्टम्स जैसे हेडेक के साथ साथ और इसको क्या दिक्कत है तो फियर ऑफ डेथ होता है एनजाइटी होती है ठीक है चिंता बेचैनी यही सब है देन खांसी कैसी होती है एकोनाइट पेशेंट की कॉज है इसका वही कोल्ड एयर एंड ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड ठीक है ठंडी हवा की वजह से इनको खांसी आने लगती है और कैरेक्टर कैसा होता है खांसी अचानक हो जाती है बहुत ही ज़्यादा वॉइलेंट होती है मतलब तीव्र होती है एंड ड्राई सूखी खांसी होती है रफ और सफ़ोकेटिंग खांसी होती है ठीक है मतलब सफ़ोकेशन होती है इनको ठीक है एंड एक्सपायरेशन करने पे इनकी जो खांसी होती है वो और बढ़ जाती है शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे ठीक है जब ये सांस छोड़ते हैं तो फिर इनकी खांसी बढ़ती है और ओपन एयर में जाने से इनको आराम मिलता है देन कमिंग ऑन टू डिसेंट्री डिसेंट्री को बेसिकली हम हिंदी में आओ या पेचिश बोलते हैं ठीक है थीके? और इंग्लिश का इसका डेफिनेशन होती है डिसेंट्री जो होता है वो बेसिकली सीवियर डायरिया होता है ठीक है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा लूज मोशंस होते हैं और इसी के साथ साथ ब्लड भी निकलता है डायरिया में ठीक है ब्लड भी पास होता है खून भी तो ये होता है डिसेंट्री तो एकोनाइट के पेशेंट में डिसेंट्री का कारण वही है फियर फ्राइट शॉक हीट ऑफ सन मोड ऑफ ऑनसेट कैसा है अचानक से आता है और बहुत ही तीव्र मात्रा में होता है मतलब बहुत ही वॉयेंट एक्सट्रीम फोर्स के साथ होता है कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा होता है जो डिसेंट्री में आ, पेट में क्या होता है कि उनके बहुत ही ज़्यादा अचानक से आ, दर्द होता है एकदम पीड़ा आ, देने वाला मतलब बहुत पेन होता है इनको ठीक है और आ, देन आ, क्या होता है कि देर इज सीवियर टेनेसमस टेनेसमस का मतलब क्या होता है कि ऑल दो देर इज नो स्टूल देर इज नथिंग इन देयर बॉबल बट स्टिल उनको फीलिंग होती है इवैकुएश uh, इवैकुएट करने की ऐसा लगता है कि वो अपने बॉबल्स को खाली नहीं कर पा रहे ऑलरेडी डिफिकेशन कर चुके हैं वॉशरूम हो आए, फ्रेश हो लिए बट उनको फीलिंग होती है बार बार कि अभी भी कुछ बचा है पेट में अभी और मुझे ख़ाली करना है पेट को ठीक है तो देर इज सेंसेशन ऑफ बींग अनेबल टू एम्पटी दी बॉबल्स ठीक है एंड हमारे स्टूल uh, जो होगा उसका बहुत ही फ्रिक्वेंट बार बार होता है और बार बार उसको जाने का मन करता है एंड स्टूल uh, में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है और साथ ही साथ ब्लड होता है म्यूकस होता है मोर्डलिटी देर इज एग्रवेशन इन इवनिंग एंड नाइट देन कमिंग ऑन टू फीवर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एकोनाइट पेशेंट तो ठंडी हवा से फ्राइट की वजह से डर की वजह से झटके की वजह से इनको बुखार चढ़ता है जो कि सडन और वॉलेंट होता है सिम्टम्स क्या होते हैं फीवर के कि uh, इनको ठंड लगती है बहुत ज्यादा देर इज अ ड्रेंचिंग स्वेट ड्रेंचिंग स्वेट मतलब ऐसे लगता है कि आप एकदम पानी से भीग के आए हो अभी बिल्कुल ऐसे इनका पसीना होता है ठीक है और स्पेशली उस जगह पर पसीना इनको आता है जिस साइड पर वो लेटते हैं और उनको उस चीज़ से आराम भी मिलता है उस स्वेटिंग uh, की वजह से और फेस कैसा होता है पेशेंट का बुखार में लाल होता है कभी लाल पड़ जाएगा कभी फीका पड़ जाएगा एंड टेम्परेचर भी पेशेंट का बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा अचानक से दर इज़ राइज इन टेम्परेचर एंड मोस्ट वॉयलेंट अटैक ऑफ फीवर ठीक है मतलब अचानक से अगर फीवर आ जाता है बहुत तेज फीवर चढ़ गया अचानक से ठंडी हवा से आए बाहर से बाइक से घूम के आ रहे हैं ठंडी ठंडा हवा चल रही थी और आने के बाद घर में क्या हुआ कि फ़ीवर चढ़ गया अचानक से तो हम एकोनाइट दे सकते हैं और मेंटली वो बहुत पेशेंट रेस्टलेस है बेचैन है एकदम टेंशन में है तो हम एकोनाइट तो दे देंगे तुरंत उसका फीवर आ, कम हो जाएगा देन थर्स्ट uh, कैसी होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा पेशेंट uh, क्या होता है थर्स्टी होता है स्पेशली हीट स्टेज जो होती है फीवर की जब उसको गर्मी लगती है तो उस टाइम पे पेशेंट को बहुत प्यास लगती है और ठंडे पानी की प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन करता है एंड मेंटल्स क्या होते हैं ड्यूरिंग फीवर मेंटल्स जो होते हैं दर इज़ इंटेंस नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस बहुत ही बेचैन होते हैं पेशेंट जब उनको फीवर चढ़ता है और एंड दट टॉस इज़ अबाउट एन एगनी ठीक है उनके चेहरे पे दिख जाता है कि वो कितने परेशान होते हैं इधर उधर बिल्कुल दर्द में एकदम इधर उधर करते रहते हैं और स्पेशली शाम के टाइम पे और रात में बेड पे जाने पे क्या होता है कि उनको बहुत ही ज़्यादा पेन उनका इंटॉलरेबल हो जाता है और उसको ऐसे लगने लगता है पेशेंट की वो अभी बस तुरंत मरने वाला है और जो उसका फीवर है अगर वो ट्रीट नहीं किया गया जल्दी से तो वो मर जाएगा पेशेंट ओके सो दैट्स ऑल फॉर एक्ो नाइट होप यू ऑल हैव अंडरस्टुड अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू